राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से आए पिछले हफ्ते 200 से अधिक बीजेपी विधायक आए थे। इन विधायकों ने राज्य की सभी 200 निर्वाचन क्षेत्रों में एक सप्ताह के मूल्यांकन के बाद अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। अन्य राज्यों से आए बीजेपी के इन विधायकों ने एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इस रिपोर्ट को सोमवार यानी आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी जल्द ही राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक इसमें कई मौजूद विधायकों की टिकट कट सकती है, वही टिकट की आस लगाने वालों को भी झटका लग सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान की सत्ता में वापसी के लिए खास प्लान तैयार किया है। इसी के तहत राज्य की सभी 200 सीटों पर सर्वे कराया। इसमें मंडल स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क करना, विजेता उम्मीदवारों के बारे में उनके विचार लेना, अगर मौजूदा विधायक है तो उसके बारे में जनता की क्या राय है आदि की जानकारी जुटना था। इसके साथ ही बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान में भेजे विधायकों को कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली सीटों के लिए सवालों का एक अलग लिस्ट दी थी। दरअसल राजस्थान में कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने पिछले 2 से 3 कार्यकालों में लगातार जीत दर्ज की है। कांग्रेस की इस जीत के सिलसिले को तोड़ने के लिए बीजेपी हाईकमान की ओर से खास सवालों की लिस्ट से सर्वे कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी को विधानसभा क्षेत्रों में उन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जो अभी तक सफलतापूर्वक जमीन पर नहीं पहुंच पाई। बीजेपी के इन विधायकों को गहलोत सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रभाव की जांच करने का भी काम सौंपा गया था। रिपोर्ट को लेकर पूछे गए सवाल के नाम न छापने की शर्त पर बीजेपी के नेता ने कहा कि रिपोर्ट उम्मीदवार तय करने और सीट के आधार पर मुद्दों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 6 दिन के लिए विधायकों ने पार्टी कार्यकर्ताओं, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, अनुभवी सैन्य कर्मियों, युवाओं, महिलाओं और दलितों के साथ एक बैठक की और उनसे सरकार के बारे में राय ली। सूत्रों ने कहा कि प्रत्येक विधायक की ओर से तैयार रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर इस रिपोर्ट पर नड्डा, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और राज्य प्रभारी अरुण सिंह सहित राजस्थान के अन्य नेताओं के साथ दिल्ली में चर्चा की जाएगी। इस रिपोर्ट से पार्टी को उन उम्मीदवारों को तय करने में मदद मिलेगी। यहाँ एक सीट पर 2 से अधिक मजबूत उम्मीदवार है। बीजेपी के एक विधायक ने बताया, मंडलों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौजूदा विधायकों को बदलने पर जोर दिया। लगभग सर्वसम्मति से सिटिंग सांसद से चुनाव लड़ने की मांग की है। हमने सर्वेक्षण के दौरान नियम पुस्तिका का पालन किया है और हमारा उद्देश्य वास्तविकता के करीब रिपोर्ट देना है।